अस्सलाम वालेकुम माय डियर फूडीज, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं एक और रेसिपी के साथ वापस आ चुकी हूँ। इस बार मैं आपको एक स्वीट डिश की रेसिपी जो है शेयर कर रही हूँ। सर्दियाँ हैं, विंटर्स आ गई हैं, तो ये विंटर स्पेशल रेसिपी है। अंडे का मैसूब हर घर में मोस्टली आजकल कॉमन डिश है, बनती ही तो है। मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मैं नेक्स्ट कौन सी रेसिपी लेकर आऊँ। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए तकरीबन 6 अदद अंडे, और यहाँ पर मैंने लिया है छोटी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून, कुछ ड्राई फ्रूट्स जिसमें बादाम और पिस्ते हैं बारीक कटे हुए, 1 कप चीनी भी है, और उसी के बराबर मिकदार में मैंने 1 कप घी लिया है। अगर आपको फिर भी क्वांटिटी समझ ना आए तो मैंने इंग्लिश में साइड में मेंशन किया है। एक बड़ा सा बाउल या कोई बर्तन लेकर उसमें 6 अदद अंडे ऐड कर दिए हैं। फिर शुगर ऐड कर दी है 1 कप जो मैंने ली थी। इनको मैं अच्छे से विस्क करूँगी तकरीबन 2 मिनट्स तक, ठीक है। ये विस्क मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अंडे की जो जर्दी होती है वो थोड़ी जेली टाइप होती है, तो वो चीनी के साथ आसानी से जो है मिक्स हो जाए, सिर्फ इसलिए विस्क कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो जूसर जो होता है, ब्लेंडर होता है, जूसर ब्लेंडर में डालकर इसको आप ब्लेंड कर सकते हैं, तो भी हमारी चीनी जो है और अंडा जो है वो मिक्स हो जाएगा। 30 सेकेंड के लिए कीजिएगा। अच्छा, 2 मिनट के लिए हमने पहले अंडा और चीनी को मिक्स किया क्योंकि हमारी जो अंडा उसकी सफ़ेदी वो जेली टाइप होती है, बस वो थोड़ी स्लरी बन जाए। ये जो स्लरी बन गई, हमारा चीनी अच्छे से मिक्स हो गई, हमने चीनी को घुलाना नहीं है, बस मिक्स करना है। उसके बाद मैंने घी ऐड कर दिया। घी ऐड करने के बाद मैंने मोर देन 1 मिनट या तकरीबन 2 मिनट मिक्स किया इसको अच्छे से, और ये देखें एक परफेक्ट स्लरी रेडी हो गई है। बस आपने ऐसे ही करना है, चीनी को घुलाना नहीं है, इतना मिक्स नहीं करना कि ये बहुत ज़्यादा जो है गाढ़ा होना शुरू हो जाए या फिर जाग आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना, ठीक है। हल्का सा 2 मिनट के लिए मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी चीनी एक जगह बैठे ना। उसके बाद मैंने इसमें जो है छोटी इलायची का पाउडर 1 टीस्पून मैंने ऐड किया है, वनीला एसेंस 1 टीस्पून ऐड किया है, और फूड कलर मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून ऐड किया है। इनको ऐड करने के बाद मैं 30 सेकेंड के लिए और मिक्स करूँगी। उसके बाद हमारी स्लरी रेडी हो गई, तो मैंने एक पैन लिया, उसमें जो हमने ये बैटर रेडी किया था वो डाल दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर फ्लेम लो टू मीडियम है, ठीक है। हाई फ्लेम पर ये कभी भी नहीं बनाइएगा वरना ये जल जाएगा। और इसकी सबसे ज़रूरी बात कि इसको बनाते वक्त आपने कंटिन्यूसली स्पैचुला चलाते रहना है। ज़रा सी देर अगर आप हटे और आपने चमचा हटाया या स्पैचुला हटाया तो ये अंडा जैसा हम फ्राई करते हैं वैसा बन जाएगा और जल जाएगा और चिपक जाएगा, तो काला काला हो जाएगा क्योंकि फ्लेम यहाँ पे लो टू मीडियम है। अब ये देखें 2 मिनट के लिए मैंने पकाया, तो ये कुछ इस तरह से हो गया है, ठीक है। इसके ना दाने दाने बनना शुरू हो गए हैं, तो मैंने वापस 2 मिनट के लिए इसको पकाया और कंटिन्यूसली चलाती रही हूँ, हटी नहीं हूँ। 5 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाता है, आपने हटना नहीं है इसके पास से। ये देखें अब ये परफेक्टली बारीक बारीक दाने जैसा होना शुरू हो गया है, यानी कि हमारा जो है अब अंडे का मैसूब जलेगा नहीं और जैसा अंडा फ्राई होता है वैसा नहीं होगा, यानी पर इसकी एक शेप आ गई है। बस अब हमने इसको कलर चेंज होने तक पकाऊंगी मैं। उसके लिए हम 3 से 4 मिनट इसको और पकाएंगे चमचा चलाते हुए कंटिन्यूसली, चमचा हम चलाना नहीं छोड़ेंगे वरना जो है ये जल जाएगा, चिपक जाएगा और ये कोई एक अजीब सी शेप ले लेगा और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, तो इसलिए हमने चलाते रहना है। इसको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए। 2 मिनट पहले हमने लो टू मीडियम पर चलाया तो जैसे ये रेशा रेशा बनना शुरू हुआ, फिर 2 मिनट हमने और पकाया तो दाने दाने हो गया, और अब ये 30 सेकेंड से 40 सेकेंड हमने और पकाया तो इसने घी छोड़ना शुरू कर दिया है। 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए, घी हल्का हल्का छोड़ना शुरू हो गया है। ये अभी भी हम इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक प्रॉपर ये घी छोड़ना शुरू ना कर दे और ये जो आपस में चिपका हुआ है ना दाने आपस में वो सेपरेट ना हो जाए, हर एक एक दाना अलग अलग होना शुरू होगा, तो हमारा समझो ये मिक्सर तैयार हो जाएगा। फाइनल हम 3 से 4 मिनट इसको और पकाएंगे। ये घी देखें किस तरीके से घी जो है अलग होना शुरू हो गया है। 3 से 4 मिनट इसको मैंने पकाया, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए चमचा साइड किया है ताकि मैं प्रॉपर आपको दिखा सकूँ करीब से कि इसका घी सेपरेट होना शुरू हो गया है, चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, घी अच्छे से सेपरेट हो गया है, ये देखें आप। अब इसको मैंने इसको जो है 3 से 4 मिनट पकाया और ये देखें मैं इस तरह की दाने दाने की बात कर रही थी, यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया। 5 मिनट पहले हमने पकाया, फिर 3 से 4 मिनट इसको और पकाया और उसका घी जैसे ही सेपरेट हुआ हमने इसको रोस्ट कर लिया, अच्छे से भून लिया, उसका कलर परफेक्ट आ गया, क्रिस्पी क्रिस्पी सा हो जाएगा जब आप टेस्ट करेंगे ना, हल्का सा अंदर से सॉफ्ट और बाहर से थोड़ा क्रिस्पी, तो ये रेडी हो जाएगा। और जिस बर्तन में आप इसको निकालने जाएँ उसमें पहले जो है ऑयल ग्रीस कर लीजिएगा ताकि आप जो पीसीस बनाएंगे ना तो वो ईजीली निकल जाएंगे,
कितना खूबसूरत कलर आ गया है, और बाहर से थोड़ा सा क्रिस्पी सा है, अंदर से थोड़ा सॉफ्ट, और खाने में एकदम मिठाई जैसा उसका टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। अंडों का बना हुआ है, जायका भी बड़ा ज़बरदस्त आता है। बर्तन में ऑयल लगाकर इसको अच्छे से निकाल लें, ठंडा होने दें, उस पर थोड़ा से जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट के रखे थे वो स्प्रिंकल कर दें, छिड़क दें, जो भी आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट्स में वो आप ऊपर जो है डाल सकते हैं। इसके बाद आप जो है, अब जाहिर है बर्तन में निकाला है, पिस्ते वगैरह डाल रहे हैं तो हल्का तो हो गया होगा ठंडा, तो आप इसी में इसके पीसेस कर लें, क्योंकि जब ये रूम टेम्परेचर पर आने लगेगा ना, तब ये ऑटोमेटिकली आपको इजीली, आपके लिए इजी हो जाएगा इसके पीसेस को इजीली निकालना। तो मैं इसको छुरी से पीसेस कर रही हूँ, जितनी मिकदार में बनाएंगे उतने पीसेस आपके ईजीली हो जाएंगे, जितना बड़ा पीस निकालना चाहें, जितने छोटे पीसेस करना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। और शुगर की क्वांटिटी अगर आपको कम लगती है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप 1.5 कप ले लें शुगर का, बाकी इट्स इनफ। अगर आप नॉर्मल शुगर खाते हैं, कम मीठा खाते हैं, मतलब दरमियाना मीठा खाते हैं, तो 1 कप काफ़ी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी अंडे की मैसूर की, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप नए हों, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।